आइए महाराज, आइए। बहुत दिनों के बाद ये प्यारी सी, ये भोली सी आपकी सूरत देखी है। आज मेरा दिल कितना खुश है मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। महाराज बहुत दिन के बाद आए हो, आइए। मेवा मिष्ठान बना रखे हैं मैंने आपके लिए, आरती का थाल सजा रखा है। महाराज आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। दूर दूर हो के बात आ जाओ, दूर हो के, दूर हो जाओ, आ जाओ। इतने दिन के बाद आए हो, आ जाओ महलों में। दादी, जितनी भोली दिखाई दे रही है ना, अंदर तो उतनी ही काली है, उतनी ही काली। दादी सच कह रहा है क्या? नहीं कह रहा ना, देख ले। कितने प्यार से बात कर रही हूँ इससे, लेकिन फिर भी प्यार से बात क्यों करे साले में लठ दे। महाराज ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? त्रिया चरित्र न जाने कोई, और खसम मार के सत्ती होए। मतलब? आइए महाराज, बड़े दिन के बाद आए हो। महाराज के साले के गले में फांसी का फंदा लटका हुआ है, और पत्नी कह रही है कि तुम मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो फांसी के फंदे। चमक आ रही है तुम फेस पे, चमक बन रही है, चमक क्या खा रहे हो? मेरी नजरों के सामने से चुपचाप चलिया, ना तो मुझे तेरा दीदार करना है और ना मुझे तुझसे आरती कराना है। मैं तेरे आरती के थाल को ठोकर मारूं। नहीं महाराज, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? दफा हो यहाँ से। आज से पहले आपने मेरे लिए ना तो ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग किया है और ना ही मेरे आरती को यूं ठोकर मारी है। आज से पहले मुझे ये नहीं पता था कि एक औरत इतनी गिर सकती है जितना कोई पशु पक्षी भी नहीं गिर सकते है, उतना ये औरत गिर सकती है। मैंने क्या कर दिया? मैं कहाँ गिर गई? खड़ी हूँ आपके इससे ज्यादा और कर भी क्या सकती थी तू? तूने तो वो कर दिया जो दुनिया में बुरी से बुरी और गिरी से गिरी औरत नहीं कर सकती थी। दादी, ओ दादी, मर जाऊ मैं? अब मेरा मरना ही ठीक है जब यही कदर नहीं कर रहा, आरती के थाल को ठोकर से ठुकरा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे से स्वामी जी, क्या मैं वजह जान सकती हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, ना मुझे कोई स्वामी कहलवाना, ना कोई प्यारा प्रीतम कहलवाना है। कुल मिला के बात यह है कि मैं तेरी सकल सूरत से भी नफरत करता हूँ, तेरी परछाई से भी नफरत करता हूँ। और रही बात दादी की, दादी तक कुछ मत कहे, क्रोध में इतना हूं कि तेरा कोई सम्मान नहीं रहेगा और कटारी तेरी या दादी की गर्दन पर चल जाएगी, इस बात का भी कोई ध्यान नहीं रहेगा। दादी को भी नहीं बकस रहा? अगर कोई भी सामने आएगा मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। दादी को भी नहीं बख्श? ये लाल लाल आंखें दिखाई दे रही है ना। लेकिन मेरी एक बात का जवाब दे दो प्राणनाथ। आज अगर जवाब देना शुरू करूंगा तो इन सबको मारवाड़ के लोगों को बता के जाऊंगा, अरे लोगों, एक औरत के रूप में ये एक डायन है, डायन डायन। अगर मैं डायन हूं ना तो बताओ सारे समाज के आगे मैंने ऐसा क्या कर दिया? हाँ साथियों, डायन तो कहीं ठीक हो सकती है, लेकिन अगर दुनिया में डायन से बढ़कर कोई महा डायन होती हो, कुल घातनी, पिचासनी, कलंकनी, बेहूदी, वो सब तेरे अंदर गुण मौजूद हैं। What is this? पिचासनी विचासनी, क्या कह रहे हो आप ये? लेकिन मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। पिचासनी का मतलब ये है कि जो पिचासी कत्ल एक साथ कर दे उसे पिचासनी कहते हैं, और भूतनी उसे कहते हैं जो मर्द के साले के भूत उतार देना बातों से ही, वो भूतनी हुआ करती है। इतनी बड़ी कातिल हूँ। और कुलघातनी वो हुआ करती है जो एक मिनट में कुल को कलंकित कर दे, वो कुलघातनी हुआ करती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम मुझे सुना रहे हो, लेकिन एक बात का जवाब दे दो मेरे प्यारे से स्वामी जी। दादी देख कितनी मीठी बोले, सुनिए मेरी बात, और इन्हें देखो, इन्हें सारी नगरी हंस रही है, हमारा घर टूट रहा है और वो मजा ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं सारे के सारे अपने घर की। इस बीज की जड़ तू है, तू है, तू है, तो सुनिए। और अभी तो सारी नगरी हंसे है, इब्बे तो मेरे मरने के बाद जब तोने मुझे करेंगे ना,
हूं बोहरा जी। अब मेरा दिल ना बहुत जख्मी हो गया, अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बात का जवाब दे दो बस। मेरे पास भी तो कोई हथियार नहीं है, आज तलवार भी कोई ना। इससे क्या करोगे? इसे ना तेरे गले में आर पार करूंगा। न्यू कर देना, मार देना मुझे अगर मैं इतनी बुरी हूं तो। लेकिन सुनिए, पर मैं तुझे मारना तो नहीं चाह रहा ना, वो बताऊंगा क्यों नहीं मारना चाह रहा। अरे क्यों ठुकराया उधर देख रही थी, तूने क्या कर दिया इतनी देर में? किसने हथियारों की तैयारी है, ये दिया किसने? दादी ने तो नहीं दे दिया? ये लठ किसका? वो आदमी सामने आवे, बाबा का आने में असमर्थ है जी। और इसे लाया कौन था? लाया। ठीक है, या तो इससे तू मरेगी या इससे लाने वाला मरेगा। लाने वाले का ही कत्ल कर दो, इसे ही मार दो, ये है भी बहुत खराब आदमी। अरे क्यों ठुकराया ढाड़ पिया, बताओ इनके सामने तेरी रोवे प्राणों प्यारी। देखियो इसका एक आधा आंसू है, लिकट रहा है कर। पी गई हूँ भीतर भीतर। अरे बाप रे बाप, सबके सामने दिखाने से क्या फायदा? दुनिया के आंसू बाहर लिकटते हैं, यो भीतर अंदर अंदर। भाई मैंने झूठी लुगाई तो बहुत देखी, पर इससे झूठी कोई दुनिया में नहीं देखी आज। दादी तन्ने पिए कदे अंदर आंसू? अरे मैंने ना पिए। अरे कर ले ना बदकार आरता, जिस ते जोड़ी यारी हो, जिस ते जोड़ी यारी। क्यों ठुकराया थाड़ पिया करी, रो मैं प्राण करी। कर ले ना बदकार आरता, जिस ते जोड़ी यारी हो, जिस ते जोड़ी यारी। शरीर मेरा मत करो जुबानी गंदी। अरे दरबारा में जाहिर होगी सोमवती झरझरनी। मेरा दरबारा में जाहिर होगी सोमवती झरझरनी। अरे कुण सा देखा पाप पिया जो बोलन पे पाबंदी। लिया सबूत तेरा क्या? वो सभा नहीं थी हल्दी। देख लिया सबूत तेरा, वो सभा नहीं थी हल्दी। अरे मैं बोलू मंदी मंदी, मैं बोलू मंदी मंदी, तुम शोर करो हो भारी। मैं शोर कर रहा हूँ ना बहुत। अरे शोर जगत में फैले कर जब मर जा छत्रधारी हो, मर जा छत्रधारी। शोर जगाया थाल पिया करी, रो है प्राण प्यारी। कर लेना लेना बदकार आरता, जिस ते जोड़ी यारी हो, जिस ते जोड़ी यारी।
इतना जानता हूँ मेरी प्रीत के बारे में, जिस दिन मुझे फांसी लगाई जाएगी उस दिन तेरे घी के लड्डू, कौन लगाएगा आपको घी के लड्डू फूटेंगे, फांसी बहुत राजी होकर बुरका पहनेगी, बुरका हाँ क्यों बुरका डालेगी बहुत राजी होकर के, जब तेरा निकाह होगा तो तू कहेगी कबूल कबूल कबूल, लेकिन याद रखना हाँ थोड़े दिन बाद 3-4 महीने बाद वो कह देगा क्या तलाक तलाक, क्या कह रहे हो आप, ये क्या मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, और क्या अब क्यों समझेगी तू, खोल हकीकत कहो पिया मैं इब तक जानी इब तक तन्ने कुछ बेरा ही कोई ना इब क्या कहियो जरा, अरे खोल हकीकत कहो पिया मैं इब तक जानी शेर खान ने हाँ। शेर खान ने बूझ लिए तू इब छतरानी को शेर खान ने बूझ लिए तू इब छतरानी को कौन शेर खा कड़े रहे मने बात पिछानी को अरे बाप रे बाप ये शब्द सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ जाए, एक डायन डंकनी निकम्बी कुल घातनी के ऐसे ऐसे शब्द सुनने पड़ रहे हैं जिन्हें मैं सुनना नहीं चाहता, बताओ तू शेर खान को मतलब जानती पहचानती तक नहीं, मतलब शेर खान क्या होता है, कोई सब्जी है कोई पेप्सी है कोई कपड़ा है कोई दुकान, क्या होता है शेर खान, कौन सी वस्तु का नाम है, पेप्सी है पेप्सी है हाँ पेप्सी है शेर खान, फिर पेप्सी से मेरा क्या संबंध, अब क्या कहियो मैं बताऊंगा संबंध क्या है तेरा, कौन शेर खा कड़े रहे मने बात पिछानी को फांसी खा के मर जाती तन पोयो पानी को फांसी खा के मर जाती तन पाया पानी को धर्म डिगानी नारी को धर्म डिगानी नारी को तेरी लाखों कसम उठारी, कसम उठाने में भी साड़े की खोपड़ी फोड़नो चाह रही, कितनी कसम उठा रही है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख तक भी लाखों में कसम उठा रही हूँ तेरी, विश्वास नहीं है तो तेरी कसम ऐसी कोई बात नहीं जैसी तुम समझ रहे हो, 5 मिनट के लिए कह रहा हूँ बुरा मत मानियो, मान भी जाओगे तो मेरी कौन सी भैंस खोलोगे, भैंस भी खोल लेंगी पर तू रखता तो नहीं है ना भैंस, न्यू कह 1 लाख 5 लाख 10 लाख कसम, पर सुनो इन बुजुर्गों को तो बेराज पर यहाँ जो नए नए बैठे ना मेरी ढाल के, भाई साहब आज एक बात कह के जा रहा हूँ जीवन भर याद रखना और बात अच्छी लगे तो समर्थन करना, हाँ। जिब औरत है गजेंद्र जी जी जी, जिब औरत एक कसम से ज्यादा कसमें उठाने लग जाए ना तो दादा लक्ष्मी चंद कह के गया है फिर यूं मान लो कसम बदलेगी फिर माने कोई ना किसी भी कीमत, अरे मैया मैं मर जाऊं शर्म नहीं आ रही, पर तू मरेगी नहीं मुझे पता है, मर जाऊंगी लेकिन नहीं मरेगी, मैं जहर खा लूंगी, नहीं खा सकती जी, धर्म डिगानी नारी कोन्या लाखों कसम उठारी, लाखों कसम उठा सकती है एक वैसा करके जारी हो वैसा करके जारी, क्यों ठुकराया धान पिया तेरी रोवे प्राण प्यारी, कर लेना बदकार आरता जिसते जोड़ी आरी हो जिसते जोड़ी आरी, दुनिया से गिरी और औरत कोई दूसरी नहीं हो सकती, तुम नहीं जानते हो कि मेरी प्रीत आपके प्रति कितनी है, मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी प्यार कितनी मोहब्बत है आपसे, कितना प्यार है, यहाँ तक सुबह उठती हूँ ना भगवान से भी पहले आपका नाम लेती हूँ, हमेशा खाना भी खाती हूँ तो पहले आपके फोटो में भोग लगाती हूँ तब जाके खाना खाती हूँ, मैं सोती हूँ ना दुनिया भगवान का नाम लेती है लेकिन मैं आपका नाम लेके सोती हूँ, सिंदूर भी आपके नाम का लगाती हूँ, मुझे नहीं पता कि कितना प्यार करती हूँ लेकिन आप पता नहीं क्यों खफा हो, अरे ये जो चूड़ी उड़ी पहन रखी
अरे ये जो हाथों में जो मेहंदी आपकी, अरे ये जो मंगल सूत्र पहन रखा, ये आपके नाम का है। वाह जी, मतलब देखो जी इतना बड़ा ड्रामा तुमने दुनिया में नहीं। सुन मेरी बात, अगर ये मंगल सूत्र मेरे नाम का है ना तो साड़े के टुकड़े टुकड़े कर दे इसके, और अगर ये कलाई में चूड़ी मेरे नाम की है तो तोड़ इन्हें, हाथों में मेहंदी लगी है तो रगड़ इन्हें, मेहंदी हटा बिल्कुल ना हटाऊं, अगर ये मांग में सिंदूर मेरे नाम का है तो इस सिंदूर को भी हटा दे, और सुन अगर मेरे नाम का फोटो तेरे हृदय में बसा हुआ है तो उस फोटो के टुकड़े 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 कर डाल साले के। मैं नहीं चाहता कि मेरा फोटो तेरे हृदय में। कैसे कर दूं? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। वैश्या के कागज पे साजन नाम लिखो ना मेरा, मारवाड़ ते उजड़ हो गया रजपूता कटेरा, मारवाड़ ते उजड़ हो गया रजपूता कटेरा, पतिव्रता का नेम अटल में नाम रटू थी तेरा, आगे ते हट जा हट ना। नजरों आगे ते हट जा तेरा इतना ही धर्म भतेरा, नजरों आगे ते हट जा तेरा इतना ही धर्म भतेरा। अरे छतरापण का सिर सहरा क्यों, छतरापण का सिर सहरा क्यों, तारो हो पलकारी तेरी, जहां शेर खां, जहां शेर खां सेज चढ़ा वहां कई वीरता भारी हो, कई वीरता भारी, तू ठुकराया थाले पिया तेरी रोवे प्राण प्यारी, भर लेना बदकार आरता जिसते जोड़ी आरी हो, जिसते जोड़ी आरी। अरे यार हमारी बात सुनो, ये तो मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर आपकी नजरों में मैं इसे पूछना चाह रहा हूँ जो पागल हो रहा है, मैं आपसे भी और इन सबसे भी पूछना चाह रही हूँ, क्या यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। अगर मुझसे वैसे जानते हुए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर गलती से भी कोई पाप हो गया हो तो क्षमा करें महाराज। एक सेकंड अब तू रुक, बिजनेस कर रखा है तूने, तू शेर खान को नहीं जानती, बिगाड़ रहा है इनके घर बिगड़वाना चाह रहा है तू। मैं तो लोगों से ये कह रहा हूँ भाई साहब, शादी नहीं करनी चाहिए, आदमी ने रंडवा रहना चाहिए। तू क्यों नहीं रहा? सुन तो ले, 20 साल पहले ये मोड़ धर ली थी सिर पे, दादी 20 साल हो गए 3 घंटे भी घर नहीं टिकता, आज वहां ढोल की बजा, चल वहां चल, वहां चल बोरा जी, साले का कर दिया खात्मा। वो बोरा जी कह रहे थे जो का थक रहा है, मगर भाई साहब ये मोड़ बांधने की वो है ना, तो कहते छोरा ही था, छोरा ही था, तू नहीं था कुछ भी। सुन बोल, शेर खान को जानती है ना? क्या शेर खान होता है मुझे नहीं पता। नहीं जानती ना, नहीं पहचानती ना, तेरे महल में नहीं आया, नहीं आया, 1 महीने नहीं रह के गया ना, 1 महीने तेरी सेज की शोभा नहीं बढ़ाई उसने ना। चल अगर शेर खान तेरे महल में नहीं आया तो इन सब के सामने
जो तुझे प्रेम निशानी दी थी वो फेंटा और कटारी लाके दिखा दे, मैं जान जाऊंगा शेर खान तेरे महल में नहीं आया। इसी बात पे लाल हो रहा था, हो रहा था इतनी देर से। फेंटा और कटारी चाहिए ना तेरे को? ला 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 करके बता रही हूँ ना, तो सुन ले। जब आप यहाँ नहीं थे, आपकी अनुपस्थिति में बुआ जी आई थी आपकी, फूफसू मेरी, उन्होंने वो पटका और कटार मुझसे उधारे मांग लिए। कह रही थी बेटे की शादी है, मुझे जरूरत है, ये मुझे दे दे, तो मैंने दे दिए। तेरा कहने का मतलब ये है कि फेंटा और कटारी लेकर के मेरी बुआ चली गई? बुआ आई थी, ऐसी थी दादी वर्गी। इधर आ बूढ़ी, इधर आ। हाँ। ये जो सामने दाढ़ी वाला जो भाई बैठा है, ये तुझे बुआ दिखाई देता है? ना बिल्कुल भी नहीं, ये तो आदमी है वो। पहले नंबर मेरी कोई बुआ नहीं, और चल फेंटा और कटारी को तो बुआ ले गई। तू एक बात बता, तेरी बाई जंगा पे तिल का निशान कैसे देख गया वो शेर खान, अगर तेरे महल में नहीं आया तो? बोल। बात यहाँ तक पहुंच गई महाराज, ओ हो अब समझ गई, वो बुआ नहीं डायन थी, वही जब मैं नहा रही थी, नहाती हुई का तिल का निशान उसी ने देखा था महाराज। एक बात का ओड़ा लेके आई थी उस समय मेरे पास वो। महाराज जी सच्चाई, अब यकीन करो ना करो आपके ऊपर। चोरी जैसा धन नहीं अगर थानेदार ना हो तो, चोरी जैसा धन नहीं अगर थानेदार ना हो तो, ना हो तो चूहे के जैसा खेल नहीं अगर इसमें हार ना हो तो, हाँ। भाई के जैसा प्यार नहीं अगर तकरार ना हो तो, और बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। भाई के जैसा प्यार नहीं अगर तकरार ना हो तो, और औरत के जैसा मित्र नहीं अगर ये बदकार ना हो तो, बदकार ना हो तो, बदकार बदकार बदकार। एक घंटा हो गया आपको समझाते समझाते, कोई बात समझ में नहीं आती। अगर मैं इतनी बेकार हूँ तो अपनी म्यान से तलवार निकालो और काट दो मेरी गर्दन। काट देता अब तक तेरी गर्दन, लेकिन मैं तेरी गर्दन काटना नहीं चाहता, तुझे मारना नहीं चाहता। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मैंने तुझे मार दिया तो शेर खान रंडवा हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता आपका, सुन लो मेरी बात। सुना दे। अरे धूल उड़ाए ते साजन खते सूरज अटता कोन्या, राहु के आगे सूरज का के रंग पलटता कोन्या, राहु के आगे सूरज का रंग पलटता कोन्या। छोड़ रोव की चाल पड़े मेरा, देखियो आंसू कितने लिकड़े हैं। बोल रही हूँ ना पी जाती हूँ। ये इनका सबसे बड़ा हथियार है भाई साहब, जब कैसे भी काबू में नहीं आवे ना तो यूं करेंगी, और वो इतने में ही पागल हो जाऊंगा भाई, जन कितनी दुखी है। यूं का ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। छोड़ रोवती चाल पड़े मेरा हृदय डटता कोना, जब आप अच्छा लगे तो समर्थन करना। भाई कब औरत का ध्यान पलट जा यो बेरा पटता को ना, कब औरत का ध्यान पलट जा यो बेरा पटता को ना, अरे छंद जयकरण छटता को ना, छंद जयकरण छटता को ना, वीरों की मति न्यारी गावे से नरदेव साथ में मन्नू की लहदारी हो, मन्नू की लहदारी। क्यों ठुकराया थाड़ पिया तेरी रोवे प्राण प्यारी, और कर लेना बदकार आरता जिसते जोड़ी यारी हो, जिसते जोड़ी यारी।